हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। आज है संडे और आज के दिन हम आपके लिए एक सुपर संडे लेकर आए हैं। सुपर संडे में आपको टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। टोटल टाइम होगा 50 मिनट का। तो आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही जमाना है। गौरव सर स्टार्ट करें। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होगा? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल कंबाइंड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में आने की इसके बहुत ज्यादा चांस है। एलिमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग होता है इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग होता है क्या। ऐसा ट्रेनिंग जहां पे आपके स्किल के साथ साथ आपके नॉलेज पे भी फोकस किया जाता है। क्या चीज? आपके नॉलेज के साथ साथ आपके स्किल, आपके एटीट्यूड पे भी फोकस किया जाता है, वो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। इसका सही जवाब जिसने भी दिया है क्या हो जाएगा इसका फटाफट, बहुत से बच्चों का भी जवाब नहीं आया है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑल ऑफ दीज उसका बिल्कुल सही है। वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे नॉलेज पे फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग पे भी फोकस किया जाता है और आपके एटीट्यूड पे भी फोकस किया जाता है, इन्हें सब कुछ आता है। अगर आपसे ये पूछता, क्या चीज पूछता कि नॉलेज का कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था चार एलिमेंट हमारे नॉलेज को होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉग्निशन और आपका होता है रिकॉल। ठीक है, अगर स्किल के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, टाइम एंड स्पीड, एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप। ठीक है, ये आपके एलिमेंट होते हैं। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। स्किल किसे कहते हैं? किसी भी काम को मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वर्कमैनशिप के साथ करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। और एटीट्यूड किसे कहते हैं? कार्य करने का जो हमारा इच्छा होता है, विल पावर ऑफ द वर्क। किसी भी काम करने का जो विल पावर होता है, हमारा जो शक्ति होती है, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज किसे कहेंगे? रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिटेंशन, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर रिकॉल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है फटाफट क्या होगा इसका। देखो अभी मैंने आपको बताया, जस्ट आपको अभी बताया कि नॉलेज के यहाँ पे देखो आपका नॉलेज हो सकता है रिमेम्बरिंग हो सकता है आपका। ठीक है, यानी कि याद करना या फिर चीजों को जानना, इसके हमारे अलग अलग एलिमेंट होते हैं, दोनों चीज आपका सेम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि नॉलेज के हमारे चार एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से? रजिस्ट्रेशन, दूसरा कौन सा होता है? रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉग्निशन और चौथा होता है आपका रिकॉल। ये चार आपके एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी सिस्टमेटिक तरीके से पूछ लेता है, मैंने आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन भी आपका, रिटेंशन है और रिकॉल भी है और एक तीसरा कौन सा होता है आपका? रिकॉग्निशन, वो भी हमारा होता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जिसका जिसने भी जवाब दिया ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे किसी भी कंटेंट को माइंड में अपने क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। रिटेंशन मतलब क्या होता है? उसको बनाए रखना, जो कंटेंट आपने पढ़ा उसको कितने टाइम तक अपने दिमाग में बना के रखा, ये होता है। रिकॉग्निशन जो तीसरा होता है पहचानना, आपने बहुत चीज को पढ़ लिया उसमें जो आपके रिक्वायरमेंट है इसको स्कैन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन। और चौथा होता है हमारा रिकॉल, जो चीज आपने पढ़ा, जो आपके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। तो आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंस्ट्रक्टर टेल्स व्हाट टू डू एंड सो हाउ टू डू अलोंग विद द रीजन व्हाई टू डू, इन शॉर्ट द इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट्स द, आपको बताना है कि ये जो प्रोसेस है इसे आप क्या कहोगे? 5W+1H कहोगे, 5W+2H कहोगे, 6W+1H कहोगे, या फिर 6W+2H कहोगे? तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 5W+1H का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, प्रेजेंटेशन में करते हैं। ठीक है, पर जो हमारा 6W+1H होता है इसको कहाँ करते हैं हम? इसको टीचिंग, और कहाँ पे करते हैं हम इसको? कहाँ पे करते हैं? जहां पे हमें टीचिंग करना होता है और जहां पे हमें प्रैक्टिकल वगैरह करना होता है, या फिर जहां पे बोल सकते हैं ट्रेनिंग होता है, कहाँ पे? ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अगर आपका इंस्ट्रक्टर है आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है और आपको शो कर रहा है कि आपको
ठीक है, आपको तो सबसे पहले आपको बता रहा है, टेल कर रहा है कि आपको क्या करना है, फिर आपको दिखा रहा है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये सब के लिए यहाँ पे जब टेल आ रहा है आपको, मतलब चीजों को आपको बता रहा है और आपको शो कर रहा है, यानी किसकी बात कर रही है, आपको ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग या स्किल के बारे में बात कर रहा है। तो वहां पे कौन सा आता है आपका, 6W+1H आता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी 6W+1H, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर एडवांस ट्रेनिंग है तो वहां पे क्या आएगा, 6W+2H आएगा। क्या आएगा, क्लियर है? अगले क्वेश्चन चलते हैं। द मेंटर मेंटी रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज काउंसलर काउंसली रिलेशनशिप, कोच ट्रेनी रिलेशनशिप, इंस्ट्रक्टर ट्रेनी रिलेशनशिप, गुरु शिष्य रिलेशनशिप। आपको ये बताना है कि जो मेंटर है और जो मेंटी है उनका जो आपस में रिलेशन होगा इसे आप क्या कह सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो, जो हमारा क्या होता है मेंटरिंग शब्द होता है ना, दो चीज से मिलकर बना आप, एक होता है मेंटर, एक होता है मेंटी। ठीक है, आपका मेंटी क्या होता है, ये आपका शिष्य होता है, और जो मेंटर होता है ये क्या होता है, आपका क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, गुरु होता है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी गुरु और शिष्य रिलेशनशिप, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएलपी किस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। लो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दीज। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देने के साथ साथ आप डीएलपी की फुल फॉर्म भी लिखिए, क्योंकि जो डीएलपी की फुल फॉर्म हम पहले यूज कर रहे थे वो जिस पीडीएफ से हमने पढ़ा था तो उस पीडीएफ में मिस्टेक थी। तो आज आपको सही पीडीएफ का जो एक सही फुल फॉर्म जो है वो आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आपको जवाब देना। देखो, जो हमारे इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होते हैं ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, और इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी दिन पे दिन चेंज होती जा रही है। पहले हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते थे, उसके बाद हमने ओएसपी प्रोजेक्टर का यूज किया, अब हम क्या करते हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। स्मार्ट प्रोजेक्टर मतलब जिसमें हमारा ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, तो डीएलपी हमारा स्मार्ट प्रोजेक्टर में आता है। तो ये किसमें आएगा, हमारा हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। किसमें आएगा, हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारे चार्ट बोर्ड हो गया, जो बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, हमारी लो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। मीडियम में क्या है, जो जो हमारे पास विजुअल विजुअल होते हैं, जो हमारा जिसमें ऑडियो नहीं होता, जैसे कि हमारा ओएसपी प्रोजेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये हमारा क्या है, डीएलपी प्रोजेक्टर है। क्या है, डीएलपी प्रोजेक्टर। हमारे एलसीडी प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर, डीएलपी प्रोजेक्टर, ये सभी हमारे हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डीएलपी की जो फुल फॉर्म होती है उसमें आप लोगों को काफी लोगों कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो डीएलपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एलसीडी तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आपसे पूछेगा एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर एलईडी पूछेगा तो एलईडी होता है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीमीडिया किस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा। लो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे देखो, मल्टीमीडिया नाम से क्या पता चला, जिसमें आपसे एक से ज्यादा मीडिया होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा मीडिया मल्टीमीडिया। तो सिंपल सी बात है, किसमें आ जाएगा आपका, हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया एक से ज्यादा मीडिया है, जब एक से ज्यादा मीडिया किसी में आता है तो हम उसको मल्टीमीडिया कहते हैं, यानी कि किसमें आएगा आपका, हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच फेज ऑफ द एडी मॉडल डील्स विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एडी मॉडल का जो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज या इवेल्यूशन फेज। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हमारा एडी मॉडल है, इसके हमारे पांच होते हैं। ए से मतलब होता है एनालिसिस, डी मतलब डिजाइन, फिर दूसरे डी मतलब डेवलप, तीसरा मतलब उसके बाद आई मतलब इंप्लीमेंट, और पांचवा मतलब इवोल्यूएट या इवोल्यूशन होता है आपका। ठीक है, तो पहले वाले हम क्या करते हैं, हम एक तरह से जो हमें चीज सीखना है, जो हमें चीज सीखना है उसका क्या उद्देश्य है, हम ये चीज कहाँ पता करते हैं, एनालिसिस फेज में पता करते हैं, हमें क्या चीज लर्निंग, हमारे सीखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, इसका जो हम एक तरह से करते हैं लर्निंग का जो उद्देश्य होता है किसमें होता है, जल्दी आपको जवाब देना है, जो हमारा लर्निंग का उद्देश्य किसमें होता है। देखो, हमें प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई करना है तो लर्निंग फेस में आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करना है, हमें क्या चीज करना है, हमारा उसमें आएगा।
पर यहाँ पे देखो आपको डिजाइन फेस यहाँ पे आ रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि सीखने का जो उद्देश्य है हमारा किस में आता है, डिजाइन फेस में आता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही है। पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रेनिज है उसके अंदर कमी क्या है, उसको हम कौन सा मेथड पढ़ाए, क्या चीज करें क्या चीज नहीं करें, ये हमारा उसमें आएगा। डिजाइन में क्या है, हम कौन सा मेथड उसको यूज करना है पढ़ाने के लिए, हमारा जो सीखने का उद्देश्य है वो चीज क्या है। डेवलपमेंट में आपको बताइए उसको चीजों को और डेवलप कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट में उसको और ग्रेट निर्धारित करने के लिए, एवोल्यूशन मतलब हम उसके उसके एक तरह से उसके लेवल की जांच करते हैं। तो आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एडी मॉडल के किस फेज में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंटल फेज या फिर इवोल्यूशन फेज? यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि देखो जब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, जो लर्नर रहे उसको सीखने में उसको अंदर कमी क्या है, उसके अंदर उसे कितना पहले नॉलेज है, यानी एक तरह से हम उसके नॉलेज को चेक करते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं, उस हिसाब से हम आगे पढ़ाएंगे ना उसको, क्या चीज डेवलप करेंगे। तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किसमें करते हैं, हम एनालिसिस फेस में करते हैं, जो हमारा पहला स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक तरह से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हमें क्या पढ़ाना है उस चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी हमारे दूसरे में आ जाता है, और कौन सा मेथड हमें सिलेक्शन करना है ये भी हमारा डिजाइन फेस में आता है। तो यहाँ पे जिसने जवाब दिया इसका एनालिसिस फेस ए ऑप्शन उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। विच फेज ऑफ द एडी मॉडल डील्स असेंबल कंटेंट, एडी मॉडल के किस फेज में हम असेंबल करते हैं कंटेंट को, एनालिसिस फेज में, डिजाइन फेज में, डेवलपमेंटल फेज में या फिर इवोल्यूशन फेज में? यहाँ पर डायग्राम देखो आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो पहले हमें क्या नीड है, हमें क्या जरूरत है, हमें हमारे सामने क्या टास्क है, हमारे सामने जो लर्नर है उसके अंदर उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं उसको सीखने का हमारे क्या उद्देश्य डिजाइन फेस में आता है, या फिर कौन से मीडिया का हमें सिलेक्शन करना है, या फिर कैसे हमें एक्टिविटी करनी है, हमारा डिजाइन फेस में आ जाता है। डेवलप फेस में क्या होता है कि जो चीज है हमारा, ठीक है, जो कंटेंट हमने किया उसको असेंबल करके डेवलप करते हैं, उसको क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, क्रिएट आ जाए आपके सामने, असेंबल आ जाए या फिर डेवलप कोर्स आ जाए, मेटेरियल रिव्यू आ जाए, रिव्यू आ जाए, ये सब हमारे किस में होता है, डेवलप फेस में होता है। इसका जिसने जवाब दिया डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट तीसरा जो फेस है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें असेंबल करते हैं चीजों को, क्रिएट करते हैं। तो आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। कम्युनिकेशन में हम किस मेथड का यूज करते हैं, 5W+1H, 5W+2H, 6W+1H या फिर 6W+2H? तो देखो जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना तो वहां पे हमारा 7C हम यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा 7C। तो 7C में जो दूसरा हमारा C होता है उसका क्या होता है, उसका नाम हमारा होता है कंप्लीट। और जब भी हमारी बात हमें कंप्लीट करना होता है, कोई भी बात हम बोलते हैं हमारी बात बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, तो हम अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, 5W+1H मेथड यूज करते हैं। अगर ट्रेनिंग है तो वहां पे हम 6W+1H मेथड यूज करते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि 5W+1H मेथड यूज करते हैं उसका सही। अगर यहाँ पे पूछता आपका कि ट्रेनिंग में कौन सा मेथड यूज करते हैं तो वहां पे करते हैं 6W+1H मेथड हम यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टन स्टिमुली इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित उत्तेजना की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ सूचनाओं को याद करना क्या कहलाएगा, रिटेंशन, एबिलिटी, रिकलेक्शन या फिर इमेजिनेशन? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब मुझे लग नहीं रहा कि आप इसको गलती करोगे। ठीक है, तो आपको इसका फटाफट जवाब देना है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, माइंड में स्टोर कर लिया, क्या किया आपने, आपने उसको माइंड में स्टोर कर लिया, और माइंड में स्टोर करने के बाद क्या करते हो उस सेम इंफॉर्मेशन को, क्या करते हो जब आपको रिक्वायरमेंट होता है, जब आपके सेंस ऑर्गन कहते हैं तो आप उस सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग उस मैसेज को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हो, क्या करते हो उसको एक तरह से उसको सेम इंफॉर्मेशन क्या करते हो अपना कॉल करते हो, यानी कि उसको बाहर प्रोड्यूस करते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको रिकलेक्शन या फिर हम क्या कहते हैं इसको रिकॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकॉलिंग यानी कि रिकलेक्शन, यानी कि उसको एक तरह से आपने प्रोड्यूस कर दिया। देखो चार स्टेप थे हमारे किसके, नॉलेज के। पहले में आपने मैसेज को स्टोर कर लिया, किसमें किया, अपने ब्रेन में किया। दूसरे में रिटेंशन, यानी उस मैसेज को एक लंबे टाइम तक बनाकर रखा।
तीसरा रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्निशन में क्या करते हो, उस मैसेज को जो रिक्वायरमेंट है उसको स्कैन करते हो, और लास्ट क्या है, जो मैसेज आपने स्टोर किया है, जो आपका सेंस ऑर्गन चाहते हैं कि आपको ये चीज करना है, उस उनके अकॉर्डिंग उस मैसेज को क्या करते हो, एक तरह से प्रोड्यूस करते हो। तो ये हमारा रिकलेक्शन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, रिकॉल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? पर्सन है, प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी है, या फिर बीएनडी होगा? यहाँ पे देखो, ये भी आपके क्वेश्चन बहुत से, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये क्या होता है, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो क्या होता है, वो तो उसे हम प्रोसेस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, प्रोसेस भी कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एक्शन और एक्टिविटी होता है हमारा। ठीक है, तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, यानी कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड एक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं हमारे ये पर्सन और जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम देखना है, इंटरप्रेन्योर जो उस एंटरप्रेन्योरशिप को, जो बिजनेस कर रहा है, जो उसको चलाता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो उसमें प्रोसेस किया जा रहा है, जो एक्टिविटी की जा रही है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज वहां पे ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एंटरप्राइज होता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ लीडरशिप किसे कहेंगे? अथॉरिटेरियन जो लीडरशिप होगी उसमें कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट और क्लोज कंट्रोल रखा जाएगा, एक्ट एज ए फादर लाइक फिगर। इसका मतलब है कि जो लीडर है वो एक तरीके से फादर की तरह बिहेव करेगा, प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वेलिटी, सोशल इक्वेलिटी को पालन किया जाएगा, टेकिंग फुल केयर ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आपको ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के बारे में कह रहा हूँ। ऑथोरिटेरियन मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने नीचे जो फॉलोअर है, जो काम करने वाले, उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको एक तरह से क्या करते हैं, उनको दबा के रखते हैं, उनको क्लोज कंट्रोल कर रखते हैं, और साथ जो भी डिसीजन होता है वो अकेला डिसीजन वो लीडर लेता है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो लीडर है अकेला वही डिसीजन लेगा और रूल रेगुलेशन बना देगा, और सोचेगा जो नीचे मेरे वर्कर है वो सारे मेरे रूल रेगुलेशन माने, साथ ही साथ उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं और उनको कंट्रोल करके रखता है। इसका क्या, किस में दिखाई दे रहा है आपका, ऑप्शन ए में। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन ए, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो क्या करता है, नीचे वाले क्लोज कंट्रोल करता है और उनको बिल्कुल सख्त रखता है वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक टाइप स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या होगा? कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाएगा, गिव द टास्क टू द फॉलोअर विद लिटिल और नो डायरेक्शन टू देम। इसका मतलब है बहुत ही कम एक तरीके से बहुत ही कम इंटरफेयर किया जाएगा, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, या फिर शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर। जो आप डिसीजन ले रहे हो उसमें आप ग्रुप मेंबर्स को शामिल करोगे, क्रिएट ए डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर। आप एक तरीके से डिस्टिंक्ट एक तरीके से रिलेशन बनाओगे, एक तरीके से अलग टाइप का रिलेशन बनाओगे, तो आप बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस डेमोक्रेटिक आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक ऐसा होता है कि आप ना जो भी डिसीजन लेते हो अपने जो ग्रुप मेंबर है उनसे एक तरह से क्या कहते हैं, डिस्कस करने के बाद, डिस्कशन मेकिंग करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लेते हो। ठीक है, ठीक, इसमें दिखाई दे रहा आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी में। देखो इसका बिल्कुल सी, जो हमारा ऑटोक्रेटिक होता है उसमें क्या होता है, वो जो लीडर है वो फुल पावर उसके पास होता है और नीचे वालों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जो हमारा डेमोक्रेटिक होता है ये क्या करता है, ये डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, ये डिसीजन क्या करते हैं, जो इनके नीचे जो मेंबर काम करने वाले नीचे हैं उनसे क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से फैसला वगैरह लेंगे। तो हमारा डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्या चीज होता है, उसके बाद हमारा एक और होता है लाइजर स्फीयर लीडरशिप होता है, लिजाज स्फीयर लीडरशिप होता है। उसमें क्या करते हैं, जो लीडर होता है वो बस एक मैसेज देने का जरिया होता है। ठीक है, वो अपने नीचे फॉलोअर को छोटा सा कोई टास्क देगा करने के लिए और उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिखाएगा वो। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका कौन सा है, लिजाज स्फीयर लीडरशिप है। जो ऑप्शन ए ये आपका ऑटोक्रेटिक है, और जो ऑप्शन सी है ये आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is not the stages of counseling? Counseling की निम्न में से कौन सी स्टेज नहीं होगी? Giving sympathy, सहानुभूति देना, identification of problem, समस्या की पहचान करना, diagnose, निदान करना, या फिर follow up? इसका मतलब ये क्या है कि follow up लेना।
यहाँ पे देखो हमें पता होना चाहिए जो काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग क्या करता है, जो वहाँ पे काउंसलर आता है, काउंसलिंग सब दो चीज से मिलकर बना होता है, क्या होता है एक काउंसलर प्लस काउंसलिंग, काउंसलर जो काउंसलिंग करता है, अब काउंसलिंग कौन होता है जो काउंसलिंग कराने के लिए आता है, उसके अंदर कैसे होने चाहिए, तो उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, कैसे सहानुभूति होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर सहानुभूति होना चाहिए, यानी कि कोई पर्सन आ रहा है तो उसके भावनाओं को समझे हो, दूसरा क्या है वो आपके सामने प्रॉब्लम लेके आएगा तो उसके प्रॉब्लम को समझेगा ना वो उसको करने के लिए, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो प्रॉब्लम को समझेगा, प्रॉब्लम समझने के बाद क्या करेगा उसको, ठीक है, तो प्रॉब्लम समझने के बाद क्या करेगा निदान, निदान उसको एक तरह से समाधान करेगा और जो फॉलो अप लास्ट में उसकी जांच पड़ताल करेगा, था बिल्कुल सही, अब सोच रहे मैंने चारों तो सही बता दिया तो गलत कौन सा है, तो देखो हमारे दो सहानुभूति दो टाइप के होते हैं, एक सहानुभूति ये जो यहाँ पे गिविंग सिंपैथिक है आपका दो होता है, एक हमारा सिंपैथिक होता है इंपैथिक होता है, सिंपैथिक मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो आप उसके प्रॉब्लम को बस क्या कर रहे हो एक तरह से महसूस तो कर रहे हो, ठीक है, पर उसको एक तरह से क्या कर रहे हो उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए महसूस कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ नहीं कर रहे हो आप उसके लिए महसूस कर रहे हो पर उसकी कोई आप हेल्प नहीं कर रही है, सहानुभूति देता नहीं है, वो सहानुभूति महसूस तो करता है पर उसको देता नहीं कि भाई ये चीज कर ले ऐसे करके, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पूछ रहा था काउंसलिंग में कौन सा स्टेज नहीं होता उसका, तो सहानुभूति देता नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं उसको एक तरह से मोटिवेट करता है और साथ ही उसको प्रॉब्लम को समझता है वो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो चीज क्लियर है आपका, क्या है एक होता है हमारा सिंपैथिक, एक होता है हमारा इंपैथिक, सिंपैथिक मतलब क्या होता है किसी के साथ महसूस करना, आप उसके साथ उसके प्रॉब्लम को महसूस कर रहे हो और आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है, हमारा इंपैथिक होता है, सिंपैथिक क्या होता है किसी के लिए महसूस करना, आप उसके लिए बस महसूस कर रहे हो, सिंपैथिक उसको नहीं होना चाहिए, इंपैथिक होना चाहिए, यानी कि एक बच्चा अगर पानी में डूब रहा है तो मैं उसके पास गया, मैंने सहानुभूति दिखाया पर मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, मैंने उसे कहा कि मैं आपसे किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि माँ है इस बच्चे के साथ इसकी प्रॉब्लम को समझती है वो और इसकी प्रॉब्लम को समस्या का सोल्यूशन करेगी, ये इम्पैथिक होना चाहिए, सिंपैथिक में क्या है कि वो अपने फैमिली मेंबर को दोस्त को एक तरह से दिलासा देगा कि भाई हो सकता है, तो दिलासा आपको नहीं देना है, ठीक है, आपको उसकी फीलिंग को समझना है, उसके लिए नहीं महसूस करना है, उसके साथ महसूस करना है, उसके साथ जब महसूस करोगे तो आप उसके प्रॉब्लम को आप समझोगे, जब समझोगे उसके प्रॉब्लम को तो उसके कोई ना कोई सोल्यूशन आप समझाओगे, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Common meaning of coaching, mentoring and counseling is, coaching, mentoring और counseling का एक प्रकार से common meaning क्या होगा? Someone is trying to help, किसी की help करना, someone is sharing the knowledge, किसी को थोड़ा ज्ञान देना, supporting a person if facing a personal problem, इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को अगर कोई personal problem है तो आप उसको support कर रहे हो, developing skill of a person, किसी भी व्यक्ति की स्किल्स को डेवलप करना। तो यहाँ पे देखो हमारे तीन शब्द है, देखो कोचिंग किससे मिला बना होता है, कोच और कोचिंग से, मेंटरिंग मेंटर और मेंटिंग से, अब काउंसलिंग काउंसलर और काउंसलिंग से मिलकर बना होता है, इन तीनों का मतलब ये होता है जो पर्सन इनके पास जा रहा है ना उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प करना, जो कोचिंग है उसके परफॉर्मेंस को बेटर करता है, काउंसलिंग क्या करता है उसके प्रॉब्लम को क्या करता है उसको जो डिसीजन और जो उसके सामने प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसको इस काबिल बना देता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, और जो मेंटरिंग होता है कि जो उसके पास मेंटर होता है उसके पास नॉलेज कम है तो उसके नॉलेज को क्या करता है डेवलप करता है, यानी तीनों मिला जुला के ये कह सकते हैं कि तीनों क्या करते हैं किसी न किसी तरीके से दूसरों की हेल्प करते हैं, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है ये किसका डेफिनेशन होता है ये मेंटरिंग का होता है, जो ऑप्शन सी है ये किसका डेफिनेशन ये कोचिंग का डेफिनेशन है, और जो ऑप्शन डी है ये किसका डेफिनेशन होता है तो ये किसका होता है डेफिनेशन तो ये होते हैं आपके उसका क्या कहते हैं कोचिंग का डेफिनेशन होता है कि आपके स्किल को डेवलप करता है और ये अपने नॉलेज को शेयर कौन करता है मेंटरिंग और प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है तो कोचिंग करता है, तो आपको चीजें क्लियर है, प्रॉब्लम को सॉल्व काउंसलिंग करता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज, स्वॉट एनालिसिस किसे कहेंगे? गिविंग विजडम और नॉलेज टू द पर्सन, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि देना, रोड टू सक्सेस इन लाइफ, इसका मतलब यह है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आप जो है स्वॉट एनालिसिस करें, शोइंग स्किल्स ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन को स्किल्स बताता है दिखाता है, यूज्ड इन फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है,
तो जो हमारा शॉर्ट एनालिसिस होता है, सबसे पहले इसका फटाफट फुल फॉर्म मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट एनालिसिस क्या करता है कि आपको अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल आगे बढ़ना है, आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, रोड टू द सक्सेस इन द लाइफ, यानी कि आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बढ़ने के लिए आपको एक तरह से रास्ता प्रोवाइड कराता है। कैसे कराता है, चलो देख लेते हैं अगले यहाँ पे। देखो शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एस मतलब स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब थ्रेट्स होता है। देखो हर किसी के लाइफ में हमारा चीज होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे इंस्टीट्यूट है, चाहे कोचिंग है, चाहे कोई भी कंपनी, हर जगह होता है। सबको पता मेरी स्ट्रेंथ क्या है, सबको पता है हमारी वीकनेस क्या है, और सबके लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आती आती है। आपने कोई टारगेट अगर बना लिया कि पेपर हमें क्रैक करना है, तो आपके सामने खतरे तो आएगा, चुनौती तो आएगा। तो अगर आपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया, साथ ही साथ आपके सामने जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसका फायदा उठाना चाहोगे। जब फायदा उठाना चाहोगे तो आपके सामने बहुत से चुनौतियां, खतरे आएंगे, तो उस खतरे को, उस चुनौती को एक तरह से सामना करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। जब आपको सब कुछ पता चल गया तो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल सक्सेसफुल आगे बढ़ेगी। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इसका आपको फुल फॉर्म हो गया। ये जो हमारा होता है शॉर्ट एनालिसिस, एक तरह से क्या होता है, ये प्लानिंग टेक्निक होती है। प्लानिंग टेक्निक किसकी चीज होती है, स्ट्रेटेजी होती है। चाहे शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, कोई भी चीज आप प्लानिंग करते हो, जैसे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्लानिंग टेक्निक होती है, एक रणनीति होगी कि आगे प्लानिंग करके आपको कैसे बढ़ना है, और अपने बिजनेस को, चाहे अपने जॉब को, अपने करियर को कैसे अभी एक अच्छा मोड आप कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा शॉर्ट एनालिसिस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टेस्ट इज ए यार्ड स्टिक टू मेजर द, टेस्ट को एक यार्ड स्टिक मतलब पैमाना माना जाता है किस चीज का, लर्नर अचीवमेंट एंड टीचर सक्सेस, लर्नर का अचीवमेंट और टीचर का सक्सेस, या फिर लर्नर अचीवमेंट ओनली, केवल लर्नर का अचीवमेंट, या टीचर सक्सेस ओनली, केवल टीचर की सफलता, या फिर लर्नर एंड टीचर सक्सेस। इसका मतलब यह है कि लर्नर और टीचर दोनों की ही सफलता। यहाँ पे आपको जवाब देना, अभी मैंने आपको टेस्ट पढ़ाया था, उसमें आपको अच्छे से बताया था। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी एक तरह से सपोज करो मैं अभी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सक्सेसफुल कम माना जाएगा, ठीक है। मैं सक्सेस अपने आप को कम मानूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, क्यों कि जो आप क्या हो, लर्नर हो, तो आप चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कितना अचीवमेंट कर रहे हो। मैंने मेरा जो सक्सेसफुल कम ही मानूंगा अपने आपको, मैं कम मानूंगा कि मैंने आपको बेटर पढ़ाया। जो चीज मैंने आपको पढ़ाया, अगर वो चीज आपने अचीवमेंट कर लिया, जो चीज मैंने आपको पढ़ाया, अगर वो चीज आपने समझ लिया, तो इससे क्या होगा, आपका वो अचीवमेंट होगा कि आपने वो प्राप्ति कर लिया। और जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो मेरे पढ़ाने का मकसद वो पूरा हो गया, टीचर के क्या सक्सेसफुल और लर्नर के क्या आपका अचीवमेंट। तो जो हमारा यार्ड स्टिक होता है, ये टेस्ट में क्या मेजर करता है कि टीचर को कितना सक्सेसफुल मिला और लर्नर ने कितना अचीवमेंट कर लिया। किसका बिजनेस जवाब दिया, ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ई होता, उसमें आपका ए और डी होता तो दोनों सही होता, ठीक है। कुछ किताबों में आपको लर्नर और टीचर के सक्सेस आएगा, पर यहाँ पे सक्सेस का मतलब दो चीज है, टीचर का सक्सेस और लर्नर का आपका अचीवमेंट, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, कैपेसिटी, एबिलिटी, विलिंग, या नन ऑफ दीज? तो आपको यहाँ पर फटाफट इसका जवाब देना है, और मुझे लग नहीं रहा कि गलती करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार आपसे करा चुका हूँ, ठीक है। तो एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कैपेसिटी। क्या मिलता है, कैपेसिटी। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको पता है क्या, कि जो हमारी एबिलिटी होती है किससे किससे मिलकर बनी होती है, तो हमारी एबिलिटी नॉलेज को जो मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, स्किल से करते हैं, तो हमें एबिलिटी मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज इनटू क्या चीज, नॉलेज इनटू स्किल को जो हम दोनों को प्लस इनटू करने के बाद अगर हमको इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे, फिर भी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा। तो आपको एक और फॉर्मूला आपने यहाँ से डेवलप कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या है, अटेंशन प्लस इंटरेस्ट को जोड़ते हैं हम, तो हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन। जब हम अंडरस्टैंडिंग प्लस थिंकिंग को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फीलिंग, और एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो कैपेसिटी। और हमें पता है एबिलिटी किससे मिलता है, नॉलेज को जब हम स्किल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एबिलिटी मिलता है, और उसके साथ साथ अगर हम इंटरेस्ट को जोड़ दे तो हमें यहाँ से फिर कैपेसिटी भी मिल सकता है।
तो आपको एक ही चीज क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। परसेप्शन किस प्रकार का प्रोसेस होता है, सब्जेक्टिव प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, या फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का, या ऑल ऑफ दीज? देखो यहाँ पे जो परसेप्शन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्ञान बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान बोध कहते हैं। और जो हमारा सेंसेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है, सेंसेशन या फिर इंस्टिंक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान, उसे बोलते हैं आत्मबोध बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं ज्ञान बोध। तो ज्ञान बोध क्या होता है, देखो सेंसेशन क्या होता है, वो किसी चीज के बारे में पता पड़ता है कि चीज ठंडा है गर्म है, यानी आपके सेंस ऑर्गन के एक्टिवेशन को हम सेंसेशन कहते हैं। और परसेप्शन क्या है, वो सेंस ऑर्गन आपके एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद आपको चीज बताया कि वो वस्तु क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो हमारा क्या होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता, वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही है। परसेप्शन हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस हो गया कि आपको उस वस्तु के ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, और जो हमारा सेंसेशन है उस वस्तु के सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वस्तु क्या चीज है क्या चीज नहीं है। परसेप्शन उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काइनेस्थेसिस सेंसेशन किससे रिलेटेड होता है, सेंस ऑफ टच वाया स्किन, सेंस ऑफ हियरिंग वाया ईयर, सेंस ऑफ स्मेलिंग वाया नोज, या फिर सेंस ऑफ पुश पुल एंड प्रेस वाया मसल? तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा हमारे स्पेशल, हमारे जो नॉर्मली सेंसेस होते हैं, सेंसेशन होते हैं पांच टाइप के होते हैं, पर एक छठा होता है हमारा स्पेशल टाइप का जिसे बोलते हैं काइनेस्थेसिस सेंसेशन। जब आपके बॉडी में क्या होता है, एक तरह से जो आपकी बॉडी का जो स्किन है यानी कि जो मसल आपका, उसमें अगर पुशअप हो रहा तो ये हमारा कौन सा सेंसेशन होता है, ये हमारा काइनेस्थेसिस सेंसेशन होता है। अगर आपका नॉर्मल अगर स्किन के बारे में पूछता है तो आपका कौन सा होता है, तो आपका टचुअल सेंसेशन होता है। क्या होता है सेंसेशन, मतलब क्या होता है कि किसी सेंस ऑर्गन का एक्टिवेट होना हमारा सेंसेशन कहलाता है। जैसे कि हमारा स्किन क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होकर किसने क्या किया, सेंस किया, किसके थ्रू सेंस किया, तो आपके टच के द्वारा। जब आपने टच किया तो क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया और चीजों को सेंस किया। कान क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होकर क्या किया उसने, अपने कान के द्वारा क्या किया, चीजों को सेंस किया। नोज एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होकर क्या किया उसने, क्या सेंस किया, स्मेलिंग के द्वारा उसने सेंस किया क्या चीज है। और मसल क्या हुआ, आपका एक्टिवेट हुआ, और कैसे एक्टिवेट कर पता क्या, पुल और पुश उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन डी उसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे और देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पांच टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, छठा हमारा थोड़ा सा स्पेशल होता है। आईज हमारे देख के क्या करता है, देख के हमारा जो देखता है तो हमारे विजुअल सेंसेशन, कान हमारा सुनता है, ठीक है, ऑडिटरी सेंसेशन, नोज हमारा क्या करता है सेंस होने के बाद स्मेलिंग करके पता करता है हमारा ऑलफैक्टिव सेंसेशन, हमारा जो टोंग होता है ये हमारे टेस्ट के माध्यम से है, टेस्ट वाला नहीं है, जो पेपर वाला टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट और जीभ वाला टेस्ट है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सेंसेशन हो गया, स्किन हमारा है टचुअल सेंसेशन, और जो हमारा मसल है ये किसमें आया, काइनेस्थेसिस सेंसेशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि नॉलेज प्लस स्किल को अगर जोड़ दे और इसको फिर एटीट्यूड से गुणा करें, और फिर ये जो ओवरऑल बनेगा इसको अगर हम एक्सपेक्टेशन से गुणा करें तो आपका क्या आएगा? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं मिलेगा यहाँ के अलावा। परफॉर्मेंस होगा, एबिलिटी होगा, क्वालिटी होगा, या फिर कॉम्पिटेंसी होगा? तो देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो जब आप नॉलेज को और स्किल के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है एबिलिटी। क्या मिलता है, एबिलिटी। जब आप दोनों को जोड़ते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी। और जब दोनों को जोड़ने के साथ साथ जब उसको एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है कॉम्पिटेंसी। क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी। और इन सबके साथ अगर साथ ही साथ आपको फिर इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हो, एक्सपेक्टेशन के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है भाई क्वालिटी। क्या मिलता है, क्वालिटी। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वालिटी सी। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखो नॉलेज का जब इसके साथ जोड़ोगे कॉम्पिटेंसी, जोड़ने के साथ आपने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मिलता है परफॉर्मेंस, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया एबिलिटी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब कॉम्पिटेंसी की मल्टीप्लाई हम एक्सपेक्टेशन के साथ, नहीं सॉरी, परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई जब हम एक्सपेक्टेशन के साथ करेंगे तो हमें क्वालिटी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है यहाँ तक। ठीक है, तो परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी को अगर एटीट्यूड से गुणा की जाए तो आपका क्या बनेगा, परफॉर्मेंस, कॉन्सेंट्रेशन, कैपेसिटी, या फिर फीलिंग? तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया चिड़िया आगे,
कि जब हम क्या करते हैं, नॉलेज को प्लस स्किल के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉम्पिटेंसी मिलता है। क्या मिलता है? कॉम्पिटेंसी मिलता है। तो कॉम्पिटेंसी हमें ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये एटीट्यूड के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा कॉम्पिटेंसी हो गया, ये हमारा एटीट्यूड हो गया, तो हमें क्या मिल जाता है, परफॉर्मेंस मिल जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये परफॉर्मेंस है, साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्वालिटी मिला था, पर यहाँ से यहाँ तो जो चीज है ये हमारा क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या बोल सकते थे, स्किल प्लस नॉलेज को जोड़ने के साथ साथ अगर हम एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता परफॉर्मेंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वालिटी क्या होगी, परफॉर्मेंस गुणा एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस माइनस परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशंस प्लस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि क्या आपके परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई आप जिसके साथ करते हो, किसके साथ करते हो, तो आप करते हो अगर परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेशन के साथ, हमें मिलता है क्वालिटी, ठीक है। अब भी हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखो हमें ये मिला था ना क्वालिटी, हमें क्या मिला था क्वालिटी, तो ये हमने जोड़ा साथ साथ एटीट्यूड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, यहाँ से परफॉर्मेंस मिल गया। तो वही हुआ कि जब हमने परफॉर्मेंस की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, एक्सपेक्टेशन के साथ मिल गया, तो हमें क्वालिटी मिल गया। तो वही चीज तो है वाला क्वेश्चन आपका, वही चीज है, परफॉर्मेंस हमारा किससे मिला, नॉलेज प्लस स्किल को जोड़ने के साथ जब हमने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें परफॉर्मेंस मिल गया, और साथ ही साथ उसको एक्सपेक्टेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, तो हमें उसको मिल गया क्वालिटी मिल गया। क्या मिल गया? क्वालिटी मिल गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, तीनों क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। प्रेमचंद, चॉकबोर्ड हेडिंग का लेटर साइज क्या होना चाहिए? जब आप उस पर लिखते हो बोर्ड पर, तो उस समय जो आप हेडिंग लिखोगे उसका साइज कितना होना चाहिए? 50 से 60 mm, 35 से 45 mm, 30 से 40 या फिर 25 से 30 mm? तो यहाँ पे देखो तीनों क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और फटाफट आपको तीनों क्वेश्चन, एक दो तीन मिनट इसलिए रखा कि एक क्वेश्चन डालता है फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपको देखो तीनों के आपके चाक बोर्डर है, चाक बोर्ड है आपका, जो चाक बोर्ड पर जो आप एक दूसरे से जो कंटेंट लिखते हो, यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ सकते हो, चाक बोर्ड पर जो लिखते हो उसके लेटर का साइज आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या आपका हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका सब हेडिंग है, और यहाँ पे क्या आपका नॉर्मल कंटेंट है, ठीक है। एक और आता है आपका अंडर सब हेडिंग, पहले नंबर पर आता है हमारा हेडिंग, दूसरे नंबर पर आता है हमारा सब हेडिंग, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा अंडर सब हेडिंग, और चौथा होता है हमारा नॉर्मल कंटेंट। तो जो हमारा हेडिंग होता है इसका क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा 50 से 60 mm, जो हमारा सब हेडिंग होता है इसका क्या होता है, इसका होता है हमारा क्या चीज होता है, इसका होता है क्या चीज 35 से 45, और जो हमारा अंडर सब हेडिंग होता है उसका क्या होता है, उसका होता है आपका क्या चीज 30 से 40, और जो हमारा नॉर्मल कंटेंट होता है इसका साइज कितना होता है, 25 से 30 होता है। इसका जिसने जवाब दिया ए, ठीक है, ए बी और डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या मेन हेडिंग है, ये हमारा क्या सब हेडिंग है, और ये हमारा क्या अंडर सब हेडिंग है, और ये हमारा क्या नॉर्मल कंटेंट है। तो आपको ये चीज याद करना है, क्योंकि जब आप लेसन प्लान देने जाओगे या फिर बोर्ड पे जाओगे पढ़ाने के लिए, तो आपको इसी के आसपास आपके लेटर का साइज होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर वहां पे कट सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड नॉर्मल कंटेंट का लेटर साइज क्या होना चाहिए? 50 से 60 mm, 35 से 45 mm, 30 से 40 mm या फिर 25 से 30 mm? तो अभी बताया था आपको, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है इसमें। जो हमारे यहाँ पे देखो नॉर्मल कंटेंट के बारे में बात करें, नॉर्मल कंटेंट हमारा कौन सा हो गया, 25 से 30, ये हमारा अंडर सब हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 से 30 mm, ये हमारा नॉर्मल कंटेंट है, ये हमारा अंडर सब हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये हमारा हेडिंग है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कन्वेंशनल टीचिंग मेथड? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक शिक्षण पद्धति नहीं है, पारंपरिक शिक्षा पद्धति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये रिसेंटली इसको इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। इसमें से कौन सी है, टीचर सेंटर क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम, डिसिप्लिन्ड क्लासरूम, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आपसे
कन्वेंशनल टीचिंग मेथड, यानी कि जो आपके एक तो होता है ना, जैसे हमारा 4P होता है, मार्केटिंग मिक्स हमारा स्टार्टिंग कास्ट होता है 4P हुआ सा, तो यानी जो जनरल टीचिंग जो मेथड यूज करते हैं पारंपरिक होता है जो चीज, उसमें कौन सा पार्ट नहीं है इसका, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका जिसने जवाब किया ऑप्शन बी फ्लिप्ड क्लासरूम, उसका बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम होता है क्या है, देखो हमारे दो टाइप के क्लासरूम होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल क्लासरूम जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम, और एक होता है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें क्या होता है, जो हम नॉर्मल हम है क्या करते हैं, स्कूल चाहे इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ते हैं, लेक्चर वगैरह लेते हैं, और लेक्चर लेने के बाद हम क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, चीजों को होमवर्क जो मिलता है हम उसको कंप्लीट करते हैं। पर फ्लिप क्लासरूम ये जस्ट अपोजिट होता है इसके। ठीक है, यहाँ हम स्कूल से घर जा रहे थे, यहाँ उल्टा होता है, स्कूल से घर, घर से हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी हम लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे ले लेते हैं, या फिर टीचर ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो हम पढ़ लेते हैं, और जो भी हमें डाउट वगैरह होता है फिर स्कूल में जाकर उसको डिस्कस वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया, इसका जिसने जवाब दिया सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वार्म कलर इज, वार्म कलर का एग्जाम्पल क्या होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर सेकेंडरी? तो यहाँ पे इसको दोनों क्वेश्चन को फटाफट आपको एक साथ जवाब देना। देखो हमारे जो कलर होते हैं ना, ये नेचर के आधार पे हमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा वार्म कलर जिसे हॉट कलर कहते हैं, दूसरा होता है हमारा कूल कलर। ठीक है, तो आपको जवाब देना, पहले का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जो हमारा रेड होता है, जो ऑरेंज होता है, और जो हमारे येलो कलर होते हैं, ठीक है, ये कैसे कलर होते हैं, ये हमारे वार्म कलर होते हैं। कैसे कलर होते हैं, वार्म कलर होते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा मैच कर रहा है, आपका ए आर, आपका रेड, बी ग्रीन, ये ब्लू, और ये फिर सेकेंडरी। तो 27 का जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो हमारे ग्रीन और जो ब्लू कलर होता है, ये कैसे कलर होते हैं हमारे, ये हमारे कोल कलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रीन ये रहा और आपका ब्लू ये रहा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 27 का जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड, रेड हमारा वार्म कलर होता है, इसके साथ साथ ऑरेंज और येलो भी हमारे वार्म कलर होते हैं, और जो हमारे कूल कलर कौन सा होता है, तो कूल कलर हमारा ग्रीन और ब्लू होता है। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल स्ट्रेसर नहीं होगा, मैनपॉज, लॉस ऑफ लव्ड वन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर जॉब इंटरव्यूज? तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट इसका फटाफट जवाब देना है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए मैनपॉज, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं, देखो जब मैंने आपको ब्लूम से वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, मैंने जब आपको पढ़ाया था क्या, मैस्लो का जो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का थ्योरी था, उसमें मैंने कहा था जो आपके 5 नीड्स है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला क्या था आपका फिजिकल नीड्स, दूसरा क्या था आपका साइकोलॉजिकल नीड्स, और तीसरा क्या था आपका, तीसरा था आपका सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स था। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा था, दूसरे में दो हमारे स्टेप थे, कौन कौन से था, सोशल नीड्स था, और हमारा दूसरा क्या था, सेल्फ क्या चीज था हमारा, सेल्फ स्टेम नीड्स था हमारा। ठीक है, तो जो हमारा सोशल नीड्स था, तो हमारा देखो जो हमारा लॉस ऑफ लॉ, जो हमारा प्यार प्रिजन की अगर मृत्यु हो जाता है तो हमारा सोशल नीड्स में आता है, यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है हमारा। ठीक है, फाइनेंस प्रॉब्लम तो हमारा किस में आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा किस में आ जाता है, या तो हमारे फिजिकल नीड्स में आ जाएगा, ये बेसिक नीड्स में आ जाएगा हमारा। ठीक है, जॉब इंटरव्यू, तो जॉब इंटरव्यू हमारे किस में, बेसिक नीड्स में आता है, जबकि मोनोपॉज, ठीक है, सॉरी जॉब नीड्स, जॉब इंटरव्यू किस में आता है, ये भी हमारे सोशल नीड्स में आ जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारे सोशल नीड्स में आता है, प्यार की मृत्यु, ये भी तुम्हारा जो जो फैमिली रिलेटेड होता है, लॉ जो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, सोशल नीड्स को भी तो हम बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ लॉ बोलते हैं ना लॉ, तो ये भी हमारा सोशल नीड्स में आता है। और जो हमारा मोनोपॉज किस में आता है, हमारे बेसिक नीड्स में आता है, जो बेसिक हमारा जो बेसिक स्ट्रेस है हमारा, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेस जो होते हैं तो उसमें आता है आपका, तो नीड के अकॉर्डिंग आप वहां से चीजों को एसोसिएट करके उस मेथड से आप सीख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एस्टीम ऑफ अदर थ्रू स्टेटस, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एटसेट्रा, एंड इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट एंड ऑटोनॉमी बिलोंग टू। इसका मतलब है कि वो कौन सी स्टेज होगी जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति एक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा वगैरह एक तरीके से हासिल करता है, तो ये किस में आएगा, ये पूछ रखा है आपका कि जो नीड्स होती है, मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स, उसके किस चरण में आएगा, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स?
जो देखो हमारे जो मैस्लो को जो मोटिवेशन नीड्स है उसमें हमारे 5 नीड्स है ना, अच्छे से मैंने आपको बताया था कौन कौन से था। पहले तो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स था, ठीक है। दूसरा कौन था हमारा, तो दूसरा हमारा सेफ्टी नीड्स था। तीसरा नीड कौन सा था, तीसरा हमारा क्या था, सोशल नीड्स, या फिर बोलते हैं लॉ बिलोंगिंग नीड्स। चौथा हमारा एस्टीम, पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे देखो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा किस में आता है, तो हमारे स्टीम नीड्स में आता है, जहाँ पे हम अचीवमेंट वगैरह करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में चाहते हैं कि हमारा कुछ अलग ही पहचान रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी स्टीम नीड्स, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी, उसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is not a need of Maclelland's theory? इसका मतलब ये है कि जो Maclelland ने थ्योरी ऑफ नीड्स दी थी, उसने वहां पर तीन प्रकार की जरूरतें बताई थी। उसने ये कहा था कि इन तीन के अलावा ये तीन हमारी मेन जरूरतें होती हैं। तो आपको ये बताना है निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा Maclelland की थ्योरी ऑफ नीड्स की जरूरत नहीं है। नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड फॉर पावर, या फिर नीड फॉर एस्टीम। तो जो हमारे सिलेबस जो मोटिवेशन के जो नियम है तीन है, एक तो मैस्लो का जिसमें 5 नीड्स है, एक मैकलैंड का जिसमें आपकी 3 नीड्स है, और तीसरा हमारे किसका है, अचीवमेंट ऑफ एटकिंसन। एटकिंसन का अचीवमेंट का जो थ्योरी है हमारे में तीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारे यहाँ पे जो मैकलैंड का जो नीड्स थ्योरी है उसमें तीन चीज उन्होंने फोकस किया था, एक पावर पे, एक एफिलिएशन पे, और तीसरा अचीवमेंट पे फोकस किया था। पर जो हमारे नीड्स है, स्टीम नीड्स है, ये हमारे किस में आता है, मैस्लो के आता है ना, हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी में, हायरार्की नीड्स ऑफ मोटिवेशन में आता है, ये मैस्लो में आता है। मैकलैंड में आपके ये तीन आते हैं ऊपर के जो तीन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, ये हमारे मैकलैंड के 3 नीड्स है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप कैसे स्टडी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के साथ और किस चीज से कर सकते हो, डेवलपमेंट प्रोसेस, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, कि एजुकेशन साइकोलॉजी को जो स्टडी करते हैं ना उसको, ठीक है, तो उसके बहुत उसको तो हम डेवलपमेंट प्रोसेस से भी करते हैं, इंस्ट्रोस्पेक्शन से भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी करते हैं, और एक्सपेरिमेंट स्टडी से भी करते हैं, ठीक है। पर आप सोच रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ चारों से करते हैं, फिर आपको इसका तो फिर तो चारों होना चाहिए। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मेन फैक्टर स्टडी, यानी मेन फैक्टर कौन होता है जिसको इसके अकॉर्डिंग हम चीजों की स्टडी करते हैं। तो मेन फैक्टर जब आपसे कहे तो आपको दो चीज पे फोकस करना है कि इस पे, एक तो आपका हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है आपका इंस्ट्रोस्पेक्शन। इंस्ट्रोस्पेक्शन को बोलते हैं सेल्फ स्टडी। आपको पता है कि आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता, अपने आप को सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा बेहतर आप ही कर सकते हो, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। एजुकेशन साइकोलॉजी में आपका खुद का सेल्फ स्टडी पता होना चाहिए कि आपके अंदर कमी क्या है, गलती क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। इन विच सेंचुरी साइकोलॉजी वॉज कॉल्ड साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कहा गया, वो सेंचुरी कौन सी थी, 500 बीसी से लेके 16वीं शताब्दी, 17 से 18 शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या फिर 20वीं शताब्दी से लेकर प्रेजेंट तक। तो यहाँ पे आपको बताना है फटाफट, तो यहाँ पे आंसर सो हो गया पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चल गया कि हमारा जो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, आपके एजुकेशन साइकोलॉजी की बात नहीं हो रही, आपके ओवरऑल साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही। तो अलग अलग टाइम पे इसका अलग अलग डेफिनेशन दिया गया था, ठीक है। तो साइंस ऑफ माइंड यानी कि मस्तिष्क का विज्ञान साइकोलॉजी को कब कहा गया था, तो 17वीं से लेकर 18वीं सेंचुरी के बीच में बोला गया था, ठीक है। जबकि 5वीं सदी से लेकर 16वीं सेंचुरी तक क्या बोला गया था इसे, तो साइंस ऑफ सोल कहा गया था, आत्मा का विज्ञान कहा गया था, ठीक है। और 19वीं सेंचुरी में क्या कहा गया था इसे, तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया था, यानी कि चेतना का विज्ञान कहा गया था। और जो आपका 20वीं सेंचुरी से अभी तक प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर, या फिर साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक प्रेजेंट है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें साइंस ऑफ सोल कब कौन से सेंचुरी में कहा गया था, तो हमने कहा था 500 सदी से लेकर 16वीं सेंचुरी तक हमने कहा था। उसके बाद साइंस ऑफ माइंड हमने कब कहा था, तो 17वीं से लेकर 18वीं सेंचुरी के बीच में हमने कहा था। और साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कब हमने कहा था, तो 19वीं सेंचुरी में कहा गया था। और साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कब कहा गया था, तो 20वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक प्रेजेंट में हम इसको इस डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is not a physiological stressor? निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेसर नहीं होगा।
लॉस ऑफ लव वन, अपने किसी प्रियजन को खोना, मैनपॉज, गिविंग बर्थ या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे देखो, बताए यहाँ पे पूछ रहा, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा, आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स आपसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा, फिजियोलॉजिकल नीड्स स्ट्रेस के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। किसके कौन सा स्ट्रेस आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कौन सा स्टेज है वो मैस्लो का जो नियम, उसमें तीन में भागा था, एक हमारा कौन था, एक हमारा तो यही तो चीज था, हमारा क्या चीज था, पहला हमारा ये चीज था, क्या चीज था पहला हमारा, तो पहला था हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, दूसरा क्या था उसमें, उसमें नीड के अकॉर्डिंग था, उसमें दूसरा था आपका साइकोलॉजिकल नीड्स, और जिसे बोलते थे हम क्या बोलते थे, साइकोलॉजिकल नीड्स को हम बोलते थे सोशल नीड्स बोलते थे, ठीक है, और तीसरा हमारा था सेल्फ फुलफिलमेंट था, ठीक है, इसमें आपका बेसिक नीड्स आता है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो उसमें था लॉस ऑफ लव वन, यानी कि आपके प्रियजन की मृत्यु हो गया था, ये हमारे कैसे स्ट्रेस है, कैसा स्ट्रेसर है, तो हमारा सोशल स्ट्रेसर, अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है, अभी दो तीन क्वेश्चन पीछे था हमारा, ये हमारा किस में आता है, तो ये हमारा सोशल स्ट्रेसर में आता है, हमारे समाज सोशल नीड्स में आता है, ठीक है। फिर जो आपका मैन पॉज, ये हमारे किस में बेसिक नीड्स में आता है, गिविंग बर्थ ये हमारे बेसिक में आते हैं, और स्लीप डिस्टर्बेंस आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ये भी हमारे बेसिक नीड्स में आता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स स्ट्रेसर में हमारा ये चीज आता है, ठीक है। ये तीनों जो स्ट्रेस है आपका इसमें आता है, जबकि जो आपका लॉस ऑफ लॉ ऑन आता है, जो आपके प्रियजन की मृत्यु हो गया, ये किसमें आता है आपका सोशल स्ट्रेसर में आता है आपका। तो आपको चीजें क्लियर है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये आपके मैस्लो साहब की मोटिवेशन हायरार्की मोटिवेशनल थ्योरी है, नीचे के जो आपको दिखाई दे रहा फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि यहाँ पे आपको स्ट्रेसर भी जोड़ सकते हो, जो नीचे के तीन पॉइंट थे कि आप बच्चे का जन्म देना और आपका जो सिल जो डिस्टर्ब जो आपका नीड डिस्टर्ब से ये आपका इसमें आ जाएगा, और सेल्फ नीड्स में आपको पता है सोशल नीड्स में क्या था, आपके प्रिजन की मृत्यु हो गई थी, और ये आपका सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होता है, ठीक है। एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आपकी नींद वगैरह बात करें, नींद डिस्टर्ब होना जो आपका, तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, सेफ्टी नीड आपका ये हो गया, लॉ और बिलोंगिंग नीड्स यानी कि प्यार मोहब्बत यानी कि सोशल नीड्स है, अभी मैंने बताया था कि आपके प्रियजन की मृत्यु हो रहा है, ये कैसा स्ट्रेस है, आपका सोशल है, जबकि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, मैन पोज हो रहा है, या फिर आपका बच्चे का जन्म देना, ये हमारा किसमें आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है, ठीक है। आपको एक डायग्राम और दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चे का नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया, सेफ्टी नीड में आपकी सिक्योरिटी आपके घर घर हो गया, और यहाँ पे देखो लॉ एंड बिलोंगिंग आपको प्यार मोहब्बत हो रहा है, तो हमारे सोशल नीड्स है, स्टीम नीड्स यानी कि आप अपने मान प्रतिष्ठा के ऊपर फोकस करोगे, और ये आपका एक सपने आपको एनालाइज करोगे आपका जन्म किस लिए हुआ है। तो आपको एक ही चीज क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइंस जो है वो साइंस ऑफ एजुकेशन को कहेंगे, ये किसने कहा, चार्ल्स ई स्कैनर, क्रो एंड क्रो, एफ ए पील या फिर स्टीफन। तो यहाँ पे देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिल गया था, ठीक है। तो किस साइंटिस्ट ने आपसे ये कहा था कि साइंस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के विज्ञान को, ठीक है, शिक्षा के जो हमारे मन एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या आपका साइंस ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा के विज्ञान को हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं, ये कहा था आपके पी ए पील ने, एफ ए पील ने कहा था, किसने कहा था आपके एफ ए पील ने कहा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये आपके शिक्षा का विज्ञान को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, स्किनर ने क्या कहा, स्टीफन ने क्या कहा, चलो देख लेते हैं तीनों ने क्या कहा, यहाँ पे चीजें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो स्किनर ने ये कहा कि जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, ये साइकोलॉजी, ये एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है, जिससे आपके टीचिंग और लर्निंग को बेस्ट बनाया जा सकता है, यानी कि आपके साइकोलॉजी की वह ब्रांच है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है आपकी, ये आपकी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है, जिससे आपके टीचिंग और लर्निंग को बेस्ट कहा जा सकता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि देखो आप जन्म लेते हो और बुढ़े हो जाते हो, तो आप कुछ ना कुछ अपने ओल्ड एज से लेके बर्थ से लेके अपने ओल्ड तक कुछ ना कुछ क्या करते हो, चीजों को सीखते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हो, उस जो आपने चीजों को सीखा उसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया, इसी चीज को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है आपका कि आपने जन्म से लेकर यहाँ पे देखो बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक जो चीज आपने लर्निंग एक्सपीरियंस किया उसी चीज को एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करने को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि पीर साहब ने कहा क्या कि एजुकेशन क्या आपका साइंस ऑफ एजुकेशन है, जबकि स्टीफन भाई साहब ने क्या कहा
कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, कि जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं, उस जो चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमारा ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। जिससे हम अपन, जैसे कि हमारा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ जैसे होता है, धीरे धीरे उनको बढ़ते जाते हैं और उनका ग्रोथ होता जाता है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, स्टीफन के अकॉर्डिंग जो हम स्टडी करते हैं उसके सिस्टमेटिक तरीके को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो आपको चीजें क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने जनरल साइकोलॉजी के बारे में क्या कथन दिया? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या कथन सही होगा। तुम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्रो एंड क्रो, यहाँ पे देखो, हमारे जो साइकोलॉजी होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जनरल साइकोलॉजी, दूसरा होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जनरल साइकोलॉजी के बारे में क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो इसका मैं आपको बता दूं क्या ने कहा आपका, तो उन्होंने ये कहा कि जो आपका ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। यानी कि इसका जिसने भी जवाब दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे देखो, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि मानव के बिहेवियर और मानव के साथ उनका क्या संबंध है, इस चीज को स्टडी करने को हम जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी आपका हमेशा आएगा, मानव के व्यवहार और मानव का रिलेशनशिप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। क्रो एंड क्रो का ये जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन दिया उन्होंने, पर उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या कहा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने यहाँ पे क्या कहा कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि मानव के व्यवहार और उनके संबंधों के अध्ययन को हम जनरल साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि उनके ने एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या कहा उन्होंने कि हर व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़े अवस्था से आगे बढ़ता है और कुछ न कुछ चीजें वो सीखता है, तो उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना और डिस्क्राइब करना हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। तो ये उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी का डेफिनेशन दिया और ये उन्होंने जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन दिया। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी एक्सपीरियंस और बिहेवियर का एक विज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू स्टडी एंड लर्निंग, तीसरा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। तो जल्दी से बताइए कि स्किनर ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में क्या कथन दिया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है। ये तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है ये तो हमारा नहीं आया क्योंकि क्रो एंड क्रो ने कहा, ठीक है, ये भी तो क्रो एंड क्रो का हो गया, तो दो तो हमारे खत्म हो गए, ये तो क्रो एंड क्रो का, अब इसमें से होगा तो हमारा जो क्या उन्होंने कहा इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका सही जवाब हो जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके स्टडी और लर्निंग यानी टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है। ये उनका किसका है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन है स्किनर का, और ये किसका डेफिनेशन है, जनरल साइकोलॉजी का। यहाँ पे देखो स्किनर ने जनरल साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या कहा, साइकोलॉजी साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि मानव के व्यवहार और उसके एक्सपीरियंस के विज्ञान को, मानव के बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंस के विज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या कहा कि साइकोलॉजी वह ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोस्ट डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स इज, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है मोस्ट डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स का वो क्या होगा, प्रिंटेड मटेरियल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेरियस एजुकेशनल वेबसाइट्स या फिर स्कूल और कॉलेज क्लासरूम्स। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा, जो डिस्टेंस लर्निंग जो कोर्स होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, तो आपने अगर डिस्टेंस लर्निंग एक कोर्स किया होगा, ठीक है, जो ऑफलाइन जो कोर्स होते हैं, ठीक है, तो जो आपने देखा होगा जो आप बिना पढ़े घर स्कूल जाए हुए पढ़ते, तो वहाँ पे आपका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रिंटिंग मटेरियल, आपको बुक्स वगैरह जो किताबें हैं आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको पढ़ के पेपर देना होता है, ठीक है। तो सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी, डीजीटी के हब एंड स्पोक प्रोग्राम में कम्युनिकेशन कैसे होता है, एव्यू सॉफ्टवेयर से होगा, टू वे ऑडियो वीडियो से होगा, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा कम्युनिकेशन होगा या ऑल ऑफ दीज।
तो हमारा देखो कम्युनिकेशन बिटवीन हाउ स्कोप के बीच में जो किसने किया, तो आपके डेस्टिनी को किया था, ठीक है। डेस्टिनी क्या किया था, हाउ स्कोप के माध्यम से उन्होंने क्या किया, आपके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किया। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो सभी करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका जिसने जवाब दिया ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और जो एक तरह से डाटा का कम्युनिकेशन करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन होता है, और साथ साथ आप इंटरनेट का भी वहां पर यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडिशनल नॉलेज देता हूँ कि हमारे टू वे ऑडियो वीडियो होता है और आपका डाटा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और किसने कहा था ये, जो हमारे उस टाइम क्या था, हमारा जो डीजी था किस नाम से था, DGENT। तो जो हमारा DGENT जो था हमारा, ठीक है, ये हमारे कौन से मिनिस्ट्री में आ रहा था, तो हमारे मोल मिनिस्ट्री में आ रहा था। मोल का अगर जिसको भी फुल फॉर्म पता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और डीजीटी हमारा अब जिसका नाम चेंज हो गया है डीजीटी, ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है, ये आपका किस में आता है, तो ये आता है आपका MSTE। किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSTE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब हमारे डीजीटी किसमें था, DGENT था, तो हमारे मॉल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था। मॉल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हमारे डीजीटी हो गया तो किसमें आ गया, MSDE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। ये देखो ये हमारा हब है जहाँ पे टीचर रहता है, स्पोक में हमारे ट्रेनिंग रहते हैं, इनको जिस सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया हम ABS सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। द मॉडल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड मनी फ्रॉम ए सेंटर ऑपरेटिंग बजट। DLP प्रोग्राम को जो मनी प्रोवाइड होती है वो सेंट्रल ऑपरेटिंग बजट से मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो मनी है इसी के बारे में, प्रॉफिट सेंटर मॉडल ऑफ DLP, ये किस प्रकार का मॉडल है, कॉस्ट सेंटर मॉडल है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारे DLP का है, ये दो मॉडल होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा प्रॉफिट सेंटर मॉडल, एक होता है कॉस्ट सेंटर मॉडल। तो जिसमें आपको क्या किया जाता है, आपको एक तरह से ऑपरेटिंग बजट के लिए आपको लिए मनी प्रोवाइड की जाती है, तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर मॉडल में आता है। ये यहाँ पे आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले यहाँ पे देख लेते हैं, देखो तो डीजीटी ने जो एक तरह से मॉडल दिया दो, एक होता है हमारा कॉस्ट सेंटर मॉडल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट सेंटर मॉडल। तो जब आपको सेंटर ऑपरेटिंग बजट के लिए जब आपको मनी प्रोवाइड की जाती है, तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर मॉडल होता है, मनी प्रोवाइड किया जाता है, तो ठीक है। आपको जब रिकवर किया जाता है, क्या तो यहाँ पे देखो, जब आपके सामने आएगा सेंटर ऑपरेटिंग बजट के लिए, यानी कि मनी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, आपको धन प्रोवाइड किया, तो ये आपका कॉस्ट सेंटर, आपका कॉस्ट सेंटर मॉडल है। और प्रॉफिट सेंटर मॉडल कब आता है आपका, कि जब आपको जो चीज है आपके को नामांकन करने के माध्यम से अपने, हाँ, जब आप एक तरह से मनी को जब रिकवर करते हो, तो हमारा प्रॉफिट सेंटर मॉडल में आता है, ठीक है। जब रिकवर आएगा तो प्रॉफिट सेंटर, जब आप वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो मनी, तो हमारा कॉस्ट सेंटर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। DGT द्वारा चलाए गए हब एंड स्पोक प्रोग्राम के लिए AVU सॉफ्टवेयर किसने बनाया, अमृता यूनिवर्सिटी ने, IIT मुंबई ने, अन्ना यूनिवर्सिटी ने, या फिर इग्नू दिल्ली ने। इसका आपको जवाब फटाफट सही देना है, ठीक है। तो मैं, मुझे लग नहीं रहा गलती करोगे, इसका बनाया था अमृता सिटी चेन्नई ने बनाया था, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी डेवलप किसने किया, अमृता सिटी ने, और किसके अंडर किया गया था, MSRDC के अंदर किया गया था, ठीक है। और लीड किसने किया था, IIT बॉम्बे ने किया था। किसने बनाया था, अमृता सिटी चेन्नई ने बनाया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। इंटरएक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय, इसका मतलब है ऑनलाइन जो मटेरियल है उसके लिए जो इंटरैक्टिव मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, टेस्ट और असेसमेंट द्वारा, एकेडमिक काउंसलिंग द्वारा, ऑडियो या वीडियो द्वारा, ऑडियो वीडियो द्वारा, या फिर ईमेल एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर, ईमेल और जो टीचर की सपोर्ट है उसके द्वारा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो अभी आप क्या चाहते हो कि आप हमारे क्या इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, यानी आप चाहते हो ना कि आपको, जैसे कि हम स्मार्ट प्रोजेक्टर क्यों कर रहे हैं, जिसका जो हमारा पावर है, जैसे कि हम ऑडियो से कितना सीखते हैं, ऑडियो से 13% और विजुअल से 75%, दोनों को ऐड करते हैं तो 88% हो जाता है। तो आपके जो लर्निंग है सबसे बेस्ट कब होती है, जब आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वयं प्रभा क्या है, ICT है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, ई लर्निंग है,
या फिर डिस्टेंस लर्निंग है? तो सोम प्रभा क्या होता है, ये हमारा ओपन एजुकेशनल क्या होता है रिसोर्स होता है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सोम प्रभा क्या होता है ओपन एजुकेशनल सोर्स होता है, यहाँ पे देख लो ये हमारा सोम प्रभा क्या होता है डीएसटी चैनल होता है, डीटीएच चैनल होता है जिसमें आपको फ्री पढ़ाया जाता है, इसमें आपके 32 चैनल होते हैं जो आपको सितंबर 2016 में क्या किया था लॉन्च किया गया था, इसमें आपको फ्री पढ़ाया जाता है ठीक है, इसमें आपको बहुत चीज कवर कराया जाता है। तो आपको ये पता चल गया कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका, ये आता है आपका एमएचआरडी के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आता है ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सा वर्चुअल क्लासरूम का उदाहरण होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है तो आपको पता ना, देखो वर्चुअल क्लासरूम क्या, अभी हम जो क्लास ले रहे हैं ना, आपको अगर याद नहीं आ रहा पेपर में कि वर्चुअल क्लासरूम क्या होते हैं तो आप ये याद करना कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में जितने भी क्लासे हुई थी हमारी सब वर्चुअल क्लासरूम हुई थी, यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम, तो ऑनलाइन क्लासरूम को हम क्या कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही जवाब है, पेपर में आप भूल जाओ अगर आ गया क्वेश्चन तो वर्चुअल क्लासरूम क्या, आप ये सोच रहे लॉकडाउन में जितनी भी क्लासेस हुई है यूट्यूब पे चाहे आपके जूम पे सब हमारी वर्चुअल क्लासरूम थी, यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम को वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। Which of the following method of teaching delivery allow two-way communication and learning? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कौन सा मेथड होगा जिसके अंदर आपको टू वे कम्युनिकेशन मिलेगा। तो देखो टू वे कम्युनिकेशन मैंने आपको अच्छे से बताया था, टू वे मतलब कि आप सिंगल नहीं कर सकते, लेक्चर हमारा सिंगल लेक्चर होता है ठीक है, ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन 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 हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन आप अकेले नहीं कर सकते हो ठीक है, दूसरा बंदा चाहिए ही चाहिए, तो हमने वो रूम स्ट्रक्चर में पढ़ा था उसमें डिस्कशन में आया था हमारा, डिस्कशन में करीब आप कितना सीख रहे थे तो करीब वहाँ पर 70% आप सीख रहे थे, जहाँ पे जीडी आया था ना ग्रुप डिस्कशन ठीक है, तो वहाँ पर करीब आप 70% सीख रहे थे। ई लर्निंग भी हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, टू वे हो सकता है, पर ज्यादातर हमारा वन वे होता है, क्या पता बंदे ने वो ई लर्निंग में आपको वीडियो बना के उसने यूट्यूब पे अपलोड किया हो, क्या पता वो बंदा ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हो, लाइव चैट वहाँ पे ना हो रहा हो ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना। बिजनेस गेम भी हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा ई लर्निंग हमेशा टू वे होगा, ज्यादातर हमारा वन वे होता है, यूट्यूब पे मैंने अपलोड करके मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया तो वन वे कम्युनिकेशन है, अगर लाइव चैट चल रही है वहां पर वीडियो कॉलिंग हो रही है जैसे जूम है तो हमारा टू वे होता है, पर यहाँ पे क्या होता है डिस्कशन, डिस्कशन हमारा हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन बी डिस्कशन उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चार ऑप्शन में से कौन सी पीपीई की फुल फॉर्म होगी? तो आपको जवाब देना, देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पीपीजी के लिए जो हम केंद्र से केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कौन कौन से यूज करते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था अच्छे से, तो उसी का फुल फॉर्म क्या है इसका मैं जो, मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे, क्यों कि कहीं भी आप काम करने जाते हैं इंस्टीट्यूट में कल जा रहते हो तो या फिर आप किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले आपको इसी पे फोकस किया जाता है, किस पे पीपीई पे, यानी कि पर्सनल क्या हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि सबसे पहले आप हम अपने बारे में सोचते हैं मशीन के बारे में, दूसरा हमारा अच्छा होता है सबसे पहले मतलब ये होता है कि हमें किसी तरह से चोट ना लगे तो हम उसके लिए पीपीई यूज करते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हिच टाइप ऑफ डीएलपी इज इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा कि क्या होता है डीएलपी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आपका इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन और बिटवीन टीचर और स्टूडेंट, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है एक तरह से जो एक तरह से कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल बेस्ट होता है, इनको अच्छा से इफेक्टिव होता है इनके बीच में, तो कैसे उससे क्या कौन सा डीएलपी होता है हमारा सिंक्रोनस टाइप डीएलपी होता है, क्या होता है सिंक्रोनस टाइप डीएलपी होता है, इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी सिंक्रोनस टाइप डीएलपी ठीक है, ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन ज्यादातर होता है, ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है जैसे कि यूट्यूब पर पढ़ा के हमने अपलोड कर दिया वन वे कम्युनिकेशन हो गया, लाइव चैट चले टू वे हो गया और एसिंक्रोनस हो गया आपका ठीक है, हाइब्रिड हमारा दोनों टाइप के होते हैं सिंक्रोनस भी होता है और एसिंक्रोनस भी होता है, यहाँ पे देखो जो हमारा सिंक्रोनस टाइप जो डिस्टेंस लर्निंग होता है ये सेम टाइम होता है, यानी सेम टाइम आप भी ऑनलाइन हो और मैं भी हूँ तो हमारे बीच में क्या हो रहा या तो क्लासरूम चैटिंग चल रही है ऑनलाइन चैटिंग चल रही है फिर वीडियो कॉलिंग हो रही है हमारे बीच में, वीडियो के थ्रू हम दूसरे से पढ़ रहे थे, हमारा ये सिंक्रोनस लर्निंग होता है, चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। द सेम इंफॉर्मेशन शुड रिमेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में लंबे समय तक रखना इसे आप क्या कहोगे?
रिटेंशन, एबिलिटी, रिकलेक्शन या फिर इमेजिनेशन? तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन के हमारे चार एलिमेंट होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें मैसेज को आप अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं। दूसरा होता है हमारा रिटेंशन, जिसमें आप अपने मैसेज को अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक बना के रखते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा ये कह रहा है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन में जो मैसेज हमने इन्फॉर्मेशन को माइंड में स्टोर किया था, उस मैसेज को हम चाहते हैं लॉन्ग पीरियड तक हमारे माइंड में तक बना रहते हैं। हमारा क्या होता है, रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन होता है इसका। जिसने जवाब दिया, रिटेंशन मतलब बनाए रखना। क्या होता है, बनाए रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द पर्सन हु कम फॉर द काउंसलिंग इज रेफर टू एज, जो द पर्सन हु कम फॉर द काउंसलिंग इज रेफर टू एज, जो व्यक्ति काउंसलिंग के लिए आता है उसे क्या कहा जाएगा? मेंटोर, काउंसलर, काउंसली या फिर मेंटी? तो मैंने आपको बताया था काउंसलिंग से हमारा दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक होता है काउंसलर, एक होता है काउंसलिंग। काउंसलर जो होता है काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग जो काउंसलिंग कराने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पर किसने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, काउंसलर क्या है, काउंसलिंग करता है, और काउंसलिंग कराने के लिए जो आता है पर्सन उसको काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इन द मार्केटिंग मिक्स द फिफ्थ पी इज, आपको ये बताना है कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर पांचवा पी कौन सा होगा? प्रोडक्ट होगा, पीपल होगा, प्रमोशन होगा या फिर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी होगा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका जो मार्केटिंग मिक्स है, आपका बेसिक स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 4P आया, फिर आपका 5P, फिर 7P। तो आपसे ये पूछा जो पांचवा पी है, उस पांचवे पी का नाम क्या है? तो देखो, पहला पी हमारा क्या था, प्रोडक्ट। सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ, आपको सीक्वेंस में बताना है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्लेस, तीसरा होता है प्रमोशन, चौथा होता है हमारा प्लेस, सॉरी पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्रमोशन और चौथा होता है हमारा प्लेस। पांचवा हमारा क्या होता है, पांचवा हमारा पीपल होता है। क्या होता है, पीपल होता है। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा, ये पहला पी है। ये जो पीपल ये पांचवा पी है। प्रमोशन हमारा कौन सा है, तो ये हमारा तीसरा पी है। और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी हमारा सातवा पी होता है। कौन सा होता है, सॉरी ये हमारा आठवां पी होता है। कौन सा होता है, आठवां पी होता है। सातवां पी कौन सा होता है, हमारा फिजिकल एविडेंस होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सीक्वेंस में बता देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 7P को हम एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स जानते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग मार्केटिंग मिक्स हुआ था कहाँ से हुआ था, 4P से हुआ था। क्या से, 4P से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। पहला पी प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन, चौथा हमारा प्लेस। हमने 3P ऐड किया तो हम इसलिए 7P बना। तो 7P को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। यानी कि पीपल आपका पांचवा पी है, छठा आपका प्रोसेस है, सातवा आपका फिजिकल एविडेंस है। पांचवा पी आपको दोबारा देख लेते हैं। पहला पीपल, पांचवा आपका पी है पीपल। पहला आपका क्या है, पहला आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका प्रमोशन, नहीं दूसरा आपका प्राइज है, तीसरा प्रमोशन है, चौथा आपका प्लेस है सिक्वेंस में। पांचवा आपका क्या है, पीपल है। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारा क्या, प्राइज। ठीक है, तीसरा होता है हमारा प्रमोशन, चौथा होता है हमारा प्लेस, पांचवा होता है पीपल। तो हमारा पांचवा पी आपको क्या पता चल गया, पीपल है, पीपल है। तो आपको शायद चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था। जाते जाते कुछ खूबसूरत पंक्तियां आप सबके लिए, कि आंखों का जाम लिखो, जुल्फ की बरसात लिखो, जिससे नाराज हो तुम उस शख्स की हर बात लिखो, जिससे मिलकर भी न मिलने की कसक बाकी है, उसी अनजान सहनसा की मुलाकात लिखो, जिस्म मस्जिद की तरह आंखें नमाजों जैसी, जब गुनाहों में इबादत थी वो दिन रात लिखो। इस कहानी का तो अंजाम वही है जो था, तुम जो चाहो तो मोहब्बत की शुरुआत लिखो, जब भी देखो उसे अपनी नजर से देखो, कोई कुछ भी कहे तुम अपने ख्यालात लिखो। थैंक यू। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा हमने स्पीड थोड़ा सा अच्छा ज्यादा रखा था, पर आपके लिए एक तरह से ना जितने भी सिखाया हमने, बहुत कुछ समझाया हमने, आपके लिए सफिशिएंट था। हमने एक्स्ट्रा बातें हमने बोला नहीं वहां पर। आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको लगा कि स्पीड ज्यादा थी तो हमें बता सकते हो, हम आपको अच्छे से और दोबारा इसको जूम पे लेके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर दें, आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो अपनी राय जरूर दें, हम कैसे और मोटिवेट कर सकते हैं। और आते जितने भी लोग कनेक्टेड है सबके सब लाइक कर दो, और जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दिया करो यार। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बैंक में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।